प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बात कहने चले जा रही हूँ। जैसे मैंने कुछ कमेंट्स में आपको जवाब दिया है कि मैं अगला रिकॉर्डिंग जो है आपके लिए करूँगी, ऐसा भी कमेंट किया है, और प्लस मैं कुछ कमेंट्स को अटेंड भी कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने एक बात आपको बताना है कि हमें अभी यहाँ तक पहुँचने में परमेश्वर के अलावा और कौन मदद कर सकता है, है ना। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है, और कोई हमारे पास ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँच सके, सिवाय एक कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। आज के समय तक जब आप खुद प्रभु में आ चुके हैं, तो आपको ये बात अभी पूरी तरह से विश्वास में आ जाना ज़रूरी है कि इब्रानी के पत्री में परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है, वचन ऐसा क्यों कहा है कि क्योंकि यीशु का लहू दाम में दे दिया गया है और वो स्वीकारा गया है, इसके लिए यीशु का लहू जो बहाया गया है, इसके लिए अब हियाव के साथ तुम परमेश्वर के दया के आसन के पास जा सकते हैं। ओके, परमेश्वर का दया का आसन के पास जा सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पे जाना पहले मना था, जब तक यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं गया था। ओके, जब तक यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं गया था, तब तक परमेश्वर के दया को एक्सेस करना कठिन था, ठीक है, उपयोग करना कठिन था। अब जब ये वचन हमको मिल गया है कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, मतलब आपको ये तसल्ली कितनी बड़ी है कि अगर वो कहता है वचन कि अब तुम दया के आसन के पास याव के साथ जा सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? पहला जो रेस्ट्रिक्शन था, जो रेस्ट्रिक्शन के पीछे खड़े रहकर हम सफ़र कर रहे थे, जो रेस्ट्रिक्शन के पीछे खड़े रहकर हम परेशानी झेल रहे थे, हम मुश्किलें झेल रहे थे, जब तक हम विश्वास जीवन में नहीं थे, हम पाप के अधीन थे, पाप की गुलामी में थे, पाप के सारे कामों में हम फंसे पड़े थे, और हमारे पास कोई एक रास्ता है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो तीसरा नहीं है, तीसरा है तो चौथा नहीं है, ऐसे जैसे चिथड़े के समान हम, कोई कपड़े जैसे रहते हैं चिथड़े के समान, वैसे हम एक मुश्किल हल करके जोड़ लगा देते हैं, नया कोई वो चिथड़ा बन जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हम ऐसे जीवन को जीकर आ चुके हैं। अब जब हम प्रभु यीशु में प्रवेश कर चुके हैं, उद्धारकर्ता को ग्रहण कर चुके हैं, अब परमेश्वर की दया हमारे लिए खोल दी गई है, खोल दी गई है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना बड़ा फर्क हो चुका है हमारे जीवन के अंदर। अब बाकी क्या रह जाता है, हमको ये सीखने की ज़रूरत है परमेश्वर की दया का हमने लाभ कैसे लेना है। ओके, देखो परमेश्वर कहता है, उसका वचन ऐसा कहता है कि अगर तुम पृथ्वी के पिता को देखेंगे, अगर उसका बेटा उसको रोटी मांगे तो उसको पत्थर नहीं दिया जाता है, अगर उसका बेटा उसको मछली मांगे तो उसे बिच्छू या सर्प नहीं दिया जाता है। तो वो पृथ्वी का पिता होने के बावजूद वो इतना दुष्टता करता है पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य जाति, उसमें से ऐसा एक पिता हो सकता है कि अपने बेटे की ख्वाहिश को सही तरह से वो पूरा कर सके? तो आप ये बात को भी समझिए कि मैं तो तुम्हारा स्वर्ग का पिता हूँ, अगर तुमने मुझे पवित्र आत्मा मांगा तो मैं तुमको कितना बढ़ चढ़ कर तुमको दे दूँगा, क्या मैं तुमको पवित्र आत्मा दूँगा नहीं? ये एक बात परमेश्वर ने कही, लेकिन दूसरी बात तो ये भी कही है कि अगर यीशु मसीह के नाम से तुम मांगो तो तुम्हारे लिए किया जाएगा। वैसे ही दूसरी बात और भी कही है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, जहाँ दो या तीन मिलकर मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। ये सारा चीज़ जब परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है, तो इसका मतलब क्या बनता है, हमको इसके साथ कनेक्ट होने का ज़रिया मालूम करना है। ओके, ये वचन हमारे लिए लाभदायी बनने के लिए कैसा हो सकता है कि ये अब ऐसा क्यों है कि हमको हमारे घर की परिस्थिति चेंज होना है, हमारे रिश्ते ठीक होने हैं, या हमारा फाइनेंस ठीक होना है, या हमारे कोई करियर ठीक बनना है, या कुछ भी जो हमारे पृथ्वी के मायने रखती है, ऐसी कोई बातें जो हम पहले ऐसे थे कि हमारे हाथ के पहुँच के बाहर था सब कुछ, और हम बस व्याकुल थे, और हम सिर्फ पीड़ाओं को सहते जाते थे।
अगर परमेश्वर ने हमको कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुमको अनाथ नहीं छोड़ा है, तो आपको इसका मतलब समझ में आना ज़रूरी हो जाता है कि तो पिता क्यों है, पिता का मतलब क्या है, पिता क्यों है, वो हमको अनाथ नहीं छोड़ा है, इसका मतलब अब वो हमारे लिए क्या करने जा रहा है। उसने कहा मैं तुमको मददगार भेजा हूँ, वो तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हें मेरी आज्ञा पालन करने के लिए सहायता करेगा, वो तुम में से होकर जिएगा, वो यीशु मसीह होकर तुम्हारे अंदर से सब कुछ जो यीशु मसीह का है वो तुम्हारे अंदर से वो काम में लाएगा, काम चलाएगा। ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। आपको आपका लाइफ में ये सब चीज़ कहाँ फिक्स होती है, फिट होती है, आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, जब तक आप अपने अंदर सच्चाई में भर नहीं जाएंगे, तब तक आपका प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के बाद भी आप और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके रखेंगे। आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाना हम लोगों से हो जाएगा, लेकिन आप दुविधा और ज़्यादा बढ़ाने वाले बनेंगे, यानी आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके हाथ में दे दिया, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, आप उसको बनाए नहीं रख पाएंगे। ओके, तो मेरी ओर से मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप प्रभु में बढ़िए, आप प्रभु में बढ़िए, अपना ज्ञान प्रभु में बढ़ाइए। परमेश्वर के लिए वचन कहता है ऐसा कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है कि उसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी। ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया गया है। यीशु मसीह के नाम के सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, कोई समस्या नहीं रहती है। सिर्फ आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो आना चाहिए। ओके, अगर परमेश्वर का वचन कहता हियाव के साथ परमेश्वर के दया के आसन के पास जाओ, तो हमको ये दया का आसन के पास जाना हमारे लिए कैसे फ़ायदे में कर लेना है, कैसे उसका लाभ उठाना है, और कभी जाना है दया के आसन के पास कैसे जाना है, तो ये एरिया ऑफ लाइफ आपको मूसा को याद करके देखना है। मूसा को, केवल मूसा ही वो पवित्र स्थान में जाके वो संदूक के ऊपर जो ढकना था उसको दया का आसन कहा गया था, और वो दो करूबों के बीच में परमेश्वर उस जगह से मूसा के साथ बातें करता था। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर पूरी दुनिया का बनाने वाला, सृष्टि करने वाला, लेकिन मूसा के साथ बात करने का उसने जगह देखो कैसा तैयार किया है ना। तो ये जगह हमारे हृदय में आ चुकी है अभी, ये जगह के अंदर से हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं अभी। ओके, वही दया का आसन है, और वही कहा गया है कि हियाव के साथ जाओ और बात करो परमेश्वर से, जो चाहिए वो बोलो। मूसा क्यों जाता था परमेश्वर के आसन के पास, क्यों जाता था? सिर्फ परमेश्वर बुलाता था इसके लिए नहीं जाता था, वो खुद भी जाता था मसले लेकर। वो कहता था लोगों को, रुक जाओ मैं परमेश्वर से पूछ के आता हूँ। ओके, कुछ भी मसला है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी उसको चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, सब कुछ का वो दया के आसन के पास जाके रिजॉल्व करके आ जाता था। ओके, और वहाँ पे जाने का किसी को रास्ता नहीं था, वो मूसा जाके वहाँ पे काम करके आता था इसराइलियों के बिहाफ पर, इसराइलियों की जगह के ऊपर वो जाके, मतलब उस उनकी खातिर वो जाके परमेश्वर से मुलाकात करके उस जगह में, दया के आसन के जगह में परमेश्वर से वार्तालाप करके वो सॉल्व होने वाली बातों को लेकर आता था, प्लान्स लेकर आता था, परमेश्वर के एजेंडास को लेकर आता था। ओके, परमेश्वर क्या कहता है वो सूचनाएं लेकर आता था। तो कितना कुछ है दया के आसन के अंदर, है ना। तो हमारे लिए परमेश्वर ने वो एक्सेस ग्राउंड खोल दिया है, हमको इतना बड़ा परमेश्वर ने ग्राउंड दे दिया है कि हमको समझ में नहीं आया तो ऐसा है कि करोड़ों की संपत्ति है लेकिन इस्तेमाल करने का मालूम नहीं है। ओके, करोड़ों की जायदाद है लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है मालूम नहीं, हम फिर भी पृथ्वी के ऊपर बिना जायदाद के ही बैठे, ऐसा हो जाएगा। ओके, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अंधेरे के जगत में जो है संतान, अंधेरे की संतान ज़्यादा बुद्धिमानी से चलती है, उजियाले के संतान, ज्योति के संतान से ज़्यादा बुद्धिमानी चलती है। और उसने, यीशु ने ये भी कहा कि जो कबूतर के समान निष्कलंक निरुपद्रवी रहो और
सर्प के समान चतुर बनो। तो निष्कलंक निरुपद्रवी मतलब क्या बनता है? हमारा मांस और लहू जो योजनाओं को चला सकता है उसको हमने नहीं चलाना है, यानी हमारे अंदर से दुष्टता के प्लान्स एक्टिवेट नहीं करना है। ओके, हमारे अंदर से परमेश्वर के राज्य के किंगडम के बिगाड़ने वाले प्लान्स को हमने नहीं चलना है। ओके, ये परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में नहीं चलाना है। अब बाकी क्या रह जाता है? फिर उसमें लिखा है कि तुम सर्प के समान चतुर बनो। सर्प कैसा दुष्ट था आपको समझ में आता है? तीसरा अध्याय उत्पत्ति में से समझ में आ जाता है सर्प कैसा दुष्ट था। उसने दुष्टता कैसे की? जैसा एक दुष्टता आप देख सकते हैं कि जब एक जो खजांची था, ओके, जो देखभाल कर रहा था किसी के खजाने का, जिसको इंग्लिश में स्टीवर्ड्स कहते हैं, उसने क्या चलाखी की? उसके मालिक को गुस्सा आ गया कि ये ईमान से काम नहीं कर रहा है, तो उसको निकाल देने की कोशिश की। तो कोशिश ने निकाल ही दिया था उसको। तो उसने क्या चलाखी किया? उसको नौकरी जिम्मेदारी नहीं इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसको इम्पोर्टेंट ये था कि चलो यहाँ से मेरी रोटी पानी बंद हो रही है, दूसरा रोटी पानी का रास्ता जरिया अब मुझे सोचने की ज़रूरत है। वो मालिक के ऊपर डिपेंड नहीं था। ओके, वो इतना बुद्धिमानी था, इतना होशियार था कि उसको पता है ये ज़मीन मेरे हाथ से छीन ली जा सकती है, ये नौकरी मेरे हाथ से जा सकती है, ये जो सहारा है मुझे आज के समय का वो निकल जा सकता है। मुझे चाहिए कि मेरा ये सहारा अब अगला समय के लिए मैं कैसे तैयार करूँ। ओके, उसने दिमाग लड़ाया, उसने बाहर के लोगों को जिसके जो भी देनदार थे, वैसे तो वो बेईमान था ही था, उसके मालिक ने तो उसकी बेईमानी पकड़ी ही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात अब रह गई थी कि उसको कुछ और साबित करने की ज़रूरत है उसके बारे में? कुछ नहीं, वो तो बेईमान है, वो तो पता ही चल गया था। उसने नेक्स्ट क्या काम किया? उसने फिर जिनके 1,000 रुपये देने रहेंगे उसको उसने बोला ठीक है तुम सिर्फ 500 रुपये दे दो। अब वो देने वाले के ऊपर का बोझ हल्का हो गया। अब ये बाकी 500 रुपये क्या हो गए? वो उसके लिए मेहरबानी हो गई, जो देने वाला है उसके ऊपर इसने मेहरबानी रखा। ओके, ऐसा ही जिसको 10 किलो चावल देना था उसके मालिक को, तो उसने वहाँ पे बोला चलो तुम सिर्फ 8 किलो दे दो। तो अब ये 2 किलो चावल बाकी जो रह जाता है वो क्या हो गया? वो देने वाले के ऊपर मेहरबानी रख दी उसने। अब जब नौकरी छोड़कर वो उनके सामने जाएगा तो वो यही बात करेगा कि अब देखो मेरा सिग्नेचर से सब कुछ हो रहा था, तभी मैंने तुम्हारी फ़ायदे करा के दे दिए, अब मेरा ये काम है, मेरे लिए अभी तुम ये करो। तो वो देनदार नहीं, वो लेने वाला हो जाएगा उन लोगों से, क्योंकि उसने एहसान करके रख दिया है। ये हो गया उसका बुद्धिमानी से चलना। ओके, सर्प बुद्धिमानी, अभी बेईमानी करो ऐसा तो परमेश्वर ने नहीं बोला है, लेकिन वो एक जगिक व्यवहार में देखो कैसे चतुराई इस्तेमाल करते हैं। ओके, वैसा ही हमको परमेश्वर ने बोला बेईमानी करो, ये चतुराई नहीं करना है, बुद्धि चलाओ। आपका माइंड आपको यूज़ करना है, आपको बुद्धि चलानी है। कैसे चलानी है? पवित्रता और धार्मिकता में ही निश्चित चलानी है, लेकिन आपको चतुराई से चलानी है। चतुराई का मतलब क्या होता है? चतुराई का मतलब ये होता है कि आपका नुकसान ना हो, मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ये कहावत है ना, कि जो जो हमारे लिए फ़ायदे का नहीं है वो हमारे फालतू में हमारे ज़मीनें लेकर बैठे होंगे, कुछ आदतें होंगी, कुछ सोचे होंगी, कुछ रिश्ते होंगे, कुछ ऐसे कोई भी बिजी शेड्यूल कर दिए होंगे जो हमारे लिए कोई काम के नहीं है, लेकिन हम पर बोझ रख दिया गया है। तो ऐसे सारे सब कुछ झटके लगाकर गिराना है हमको, वो ज़मीनें हमको परमेश्वर से ऑक्यूपाई कर लेना है। अब ये ऑक्यूपाई करना है, इसके लिए आपको चाहिए कि बुद्धि चाहिए आपको, आपको परमेश्वर से वो मांगना आना चाहिए। इस जगह में आपको परमेश्वर का दया का आसन एक्सेस करना है, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ, जिसने हमको बैड फ्रेंड्स दे के रखा है, जिसने हमको बैड रिश्ते दे के रखा है, जिसने हमारे फाइनेंस में छेद लगा के रखा है, जिसने हमारे ऊपर डाउन पिच लगा के रखा है,
अब ये सब किया कराया जो है, ये आपको क्या लगता है, आसानी से किसी ने किया कराया रहेगा? नहीं, वो लोग ने भी समय लगाया है, उन्होंने भी सेटिंग लगाई है, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से चतुराई की है कि ये चतुराई से उन लोगों ने उनके फ़ायदे कर लिए है। अभी आपको अपनी चतुराई यूज़ करना है, परमेश्वर के दया के आसन का इस्तेमाल करना है और आपको ज़मीनें खाली करना है जो आपकी है, आपके लिए है। आपको वो ज़मीनें आपके इस्तेमाल में लाना है, परमेश्वर के काम में लाना है। ये बात नहीं बनता है कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो, वो प्रभु में आना चाहता है। ठीक है, आपके भाई के लिए प्रार्थना किया, वो प्रभु में आया, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तो वैसे ही पाप के लिए खुले मैदान है। ओके, आप ही उसको ऑफेंड करेंगे, ठोकर लगाएंगे, आप ही उसको पीछे पलट जाने का रास्ता बनेंगे। ओके, तो क्योंकि ये युद्ध है, ये युद्ध है, तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है? आपका ध्यान उन लोगों के ऊपर नहीं लगना है जो मर रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ लगना चाहिए जहाँ परमेश्वर दया का आसन है। ओके, आपका ध्यान उधर नहीं लगना चाहिए जो आपको नुकसान कर रहे हैं। ओके, आपका ध्यान वहाँ लगना चाहिए जो दया का आसन है। आपको क्या मालूम है दया के आसन के बारे में? ओके, आप क्या कर सकते हैं दया के आसन के विषय में? आप उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? ये सारा आपका मसला आपका माइंड में भर जाना चाहिए। जब ये सारा भर जाएगा आपके माइंड में, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्वर आप खुद बन जाएंगे। ओके, आपका परमेश्वर का आत्मा आपको उस दिशा में चलाएगा, जैसे जैसे आपका मन में बोझ है उस दिशा में आपसे प्रार्थना करवाएगा, उस दिशा में दया का आसन वो एक्सेस कराएगा आपके लाइफ में से। ओके, आपके लिए ऐसा कोई एरिया ऑफ लाइफ नहीं रहेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप तो दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, परमेश्वर ने हर समय हर लोग हर चर्चेस में जगह जगह में ये प्रचार किया जाता है कि यीशु ने मनुष्य का फेवर पाया और परमेश्वर का भी फेवर पाया। ओके, अब नोह के समय हम देखेंगे तो नोह के समय में दुष्टता भारी थी, परमेश्वर को वहाँ पे जाके पूरा पानी से सब बहा देना पड़ा, सब कुछ मार डालना पड़ा, इतनी भारी दुष्टता थी। उन दुष्टता के बीच में परमेश्वर का फेवर नूह ने पाया, लेकिन मनुष्य का फेवर नहीं था नूह के साथ। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखो, आपको ये बात समझ में आना चाहिए, आपका इमोशंस जो है वो आपको फायदे नहीं कराएगा। ओके, आपका रिश्ता, आपके लोग, आपका मन टूटना किसी के लिए, आपका मन तड़पना किसी के लिए, ये आपको फ़ायदे नहीं कराएगा। ये आपका शरीर का पोटेंशियल, आपके शरीर की कुव्वत को घटा देगा। ठीक है, जब सोल्डियर, एक योद्धा जब जाता है मैदान में, तो वो ये सारा देखता नहीं है कि अब मैं जवान हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे समय देखने थे, अब तो दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है और मैं तो यहाँ पर हूँ। वो ये सारा मैटर्स में नहीं रहता है, उसके दिमाग में एक ही रहता है कि मुझे और ज़्यादा टेक्नीशियंस, और ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स, और ज़्यादा मुझे चतुराई, और ज़्यादा बुद्धिमान होना है, और ज़्यादा मुझे षड्यंत्र करना आना चाहिए, किस प्रकार से शत्रु के काम बिगाड़ सकूँ मैं, और ज़्यादा। उसके माइंड के ऊपर इसके अलावा दूसरा कोई सोच नहीं मिलेगा आपको, कोई सोच नहीं मिलेगा। ओके, जब भी आपको ध्यान रखना है, जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो आपका विरोधी राज्य आपको गिराने के लिए रहता है। ओके, वो आपके रिश्ते ऐसे बना के देगा जो आपकी परेशानी बन जाएगा। ओके, वो आपको ऐसा कुछ खिला देगा कि आपका लाइफ और ज़्यादा बखेड़ा बन जाएगा। ठीक है, आप शत्रु ये पृथ्वी के ऊपर अच्छे से खेल रहा है और आप भेड़ है, भेड़ियों के बीच में छोड़ा गया भेड़ है। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है कि ऐसे जगह में तुमको मैंने छोड़ दिया है जहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं रहेगा जैसा बहुत मन भावन है, सब कुछ ऐसा नहीं रहेगा। ओके, सब कुछ खूंखार है, सब कुछ जंगली है, सब कुछ वाइल्ड है, विकेड है, दुष्टता है। उसके बीच में आपको एक तसल्ली है, परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अनाथ नहीं छोड़ा है। ओके, यीशु मसीह ने कहा मैंने अपनी भेड़ के लिए प्राण दिया है। ठीक है, हमारे लिए, हमको फेवर करने वाला इस
पृथ्वी के ऊपर कभी किसी को मत देखो, कभी मत देखो किसी को, ठीक है। वो वचन लेके 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 लोग परेशान करते हैं। हाँ, तुमको तो फेवर करने वाला कोई नहीं है, ऐसा तो लिखा है वचन में। यीशु को मनुष्य ने भी फेवर किया और परमेश्वर ने भी फेवर किया, तो हमको मनुष्य का भी फेवर चाहिए। ए माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखो, फेवर ये एक एलिमेंट है परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। आपको जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आपको उपलब्ध करा के दिया जाएगा, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर आपको केवल और केवल परमेश्वर एकमात्र ऐसा है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ओके, मनुष्यों के ऊपर अपने मन को कभी मत लगाओ, कभी मत लगाओ। चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे पति हो, बच्चे हो, आप कोई भी आपके इमोशंस के ऊपर हावी रखेंगे और फिर आप सोचेंगे कि मैं परमेश्वर में बढ़ूँ, भूल जाइए, आप भूल जाइए। ओके, क्योंकि ये इमोशनल ग्राउंड्स ही है जो आपको परमेश्वर में नहीं बढ़ने देगा। ओके, ये इमोशनल ग्राउंड्स हमारे लिए नहीं है, ये इमोशनल ग्राउंड्स परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर के रीति में उसको चलाना है। अगर आप ध्यान से बाइबल का वचन पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने क्यों चिंता की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो उसकी पीढ़ी को मेरी बातें सिखाएगा। वो कॉन्फिडेंस परमेश्वर के पास था। तो आपको आज यीशु मसीह क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि परमेश्वर का ये कॉन्फिडेंस है कि आप आपके पीछे लोगों को यीशु के अंदर लाएंगे, यीशु के बारे में सिखाएंगे। ओके, तो आपके पीछे आपके सारे लोग ही नहीं है, सिर्फ लोग आपके ही लोग नहीं है, पूरी दुनिया भर पड़े हैं लोग। ओके, आप प्रभु के काम कीजिए, आपके लोगों के बारे में आप ध्यान करना छोड़ दीजिए, ये बातें छोड़ दीजिए कि ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपको ये सारा मसला लेके किधर जाना चाहिए? दया के आसन के पास। ओके, सारा मसला लेके कहाँ पे आपका आंसर है? दया के आसन के पास। समझ में आया? मूसा क्यों जाता था परमेश्वर के दया के आसन के पास? इसराइल उसके ऊपर बोझ था। आज हमारा परिवार हमारे लिए बोझ है, हमारे घर के लोग हमारे लिए बोझ है, हमारे भटक गए लोग हमारे लिए बोझ है। ओके, हमारे मन से जुड़े हुए लोग हमारे लिए बोझ है। ओके, जिनके अंदर हमारा मन अटका पड़ा है वो हमारे लिए बोझ है, रुला देते हैं हमको। ये ग्राउंड्स हमारे, हमको कुवत कम करने वाले ग्राउंड्स है। इसके लिए हमको चाहिए दया के आसन के पास जाओ, इसके लिए हमको चाहिए परमेश्वर के दया का लाभ उठाओ। ओके, अगर आपने उस दया के आसन का इस्तेमाल करना शुरू किया, आपके लिए स्वर्ग में से परमेश्वर अरेंजमेंट्स निकालेगा। ओके, स्वर्ग में से परमेश्वर ऑपरेट करेगा आपके लाइफ के लिए। ओके, चलाएगा अपनी तरकीबों से, वो चलाएगा, सब कुछ चेंज करके रख देगा। ओके, लेकिन आप नहीं मांगते हैं दया के आसन के पास जाके, तो फिर आपका इमोशनल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े रह के आप सिर्फ पुकार रहे हैं कि ये मेरे लिए चाहिए, वो मेरे लिए चाहिए, वो मेरे लिए चाहिए। फिर आपको अगर नहीं मिला तो आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपका अटेंशन किसके ऊपर है? जो दे रहे हैं, जिनके पास दिखाई दे रहा है वो आपका अटेंशन है, वो आपको निराश कर देते हैं। ओके, वो आपको उस पहुंच तक नहीं पहुंचा पाते हैं जहां सच में तुम्हारा आपका जवाब है, वहां तक वो नहीं पहुंचा पाते हैं। ओके, ये एक एरिया ऑफ लाइफ आपको समझ में आना चाहिए। आपके इमोशंस ग्राउंड के ऊपर भारी चिंताएं हैं, इमोशंस ग्राउंड के ऊपर भारी, क्या कहते हैं उसको, भारी बोझ पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बोझ पड़े हुए हैं। ओके, वो बोझ लिए हुए आप बस, आपको पता नहीं ये बोझ उतारे कहाँ, ये बोझ का करे क्या, ये बोझ का जवाब कहाँ पर है। ओके, क्योंकि आप ना उसमें से बाहर निकल सकते हैं, ना उसके अंदर रह सकते हैं, आपको वो बोझ का कोई हल नहीं है। इसके लिए यीशु का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, वो है दया का आसन। ओके, आप वहाँ पर जाइए, परमेश्वर के सामने जाइए, और सच में मैं आपको बोलती हूँ, सच में आपका इमोशंस खाली करो उसके सामने, ठीक है। देखो, मैं इतना तक आपको बताती हूँ, मुझे जितना भी इमोशनल ग्राउंड्स में पेंस है, पेंस दर्द है, ओके, किसी ने मुझे लताड़ा, कुचला, या कोई
प्रकार से मेरे लाइफ को कुछ भी अलग तरीके से कैसे भी कुछ भी किया हो, तो भी वो ग्राउंड मेरा और कहीं नहीं, सिर्फ दया के आसन के सामने जाके पूरी तरह से मैं उंडेल देती हूँ। और मुझे पता है, क्योंकि वो ग्राउंड हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। इमोशंस हमारे नहीं हैं, वो परमेश्वर के काम के लिए है। अगर हमारे पास इमोशंस नहीं रहेंगे तो हमारे लिए इंसानियत नहीं रहेगी, ओके? हमको कोई प्यारा नहीं लगेगा, हमारे पास कोई ऐसे ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना, एक काइंडनेस दिखाना, ओके, ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो इमोशंस ग्राउंड वही है कि हम गॉडलीनेस को प्रदर्शित करें, यानी जिसको बोलते हैं भक्तिमय जीवन को प्रदर्शित करें। भक्तिमय नहीं, ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय भी नहीं, क्या कहते हैं उसे, एकदम जैसा परमेश्वर है वैसा अच्छा वाला गुण हम प्रदर्शित करें, ठीक है? हम वो करने के लिए ही इमोशंस है, ओके? जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है डिवाइन ग्राउंड इमोशंस का, ईश्वरीयता अगर हमारे ही इंसानियत हमारे इमोशंस के अंदर से अगर कुचल दी जाए तो वह दुष्टता में बदल जाता है। अगर आप उत्पत्ति के वो अध्याय को पढ़ेंगे, 6 अध्याय को, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर ने 12 वचन में क्या लिखा है। 6 अध्याय के 11-12 वचन आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि मनुष्य ने अपने रास्ते दुष्टता से भर दिए हैं। हाँ, दुष्टता से भर दिए। ये रास्ते कहाँ से निकले हैं, ये कैसे क्या निकले हैं? काइन ने आबेल की हत्या कर दी, कैसे क्या काइन ने आबेल की हत्या कर दी, ओके? कहाँ से आ गया ये, है ना? हवा ने फल खा लिया, कैसे क्या, ओके? क्योंकि ये इमोशन हमारा ये सब कराता है, ठीक है? ये इमोशंस के अंदर का जिंदगी ख़त्म हो जाएगा, वो दुष्टता में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? हमारे इमोशंस को परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा दिया है, सब कुछ। टच मी नॉट प्लांट अगर आपने देखा होगा, मुझे छूना नहीं, ऐसा एक प्लांट है, एक पौधा है, अगर उसके पत्ते को छुए तो वो सिकुड़ जाते हैं, अपने अंदर एकत्रित हो जाते हैं, समेट जाते हैं, वो मुरझाए जैसे हो जाते हैं, एकदम ऐसे जैसे अब ख़त्म हो गया वो, ऐसे हो जाता है। यानी हम उस तरह का ये इमोशंस रहता है। इमोशंस मतलब परमेश्वर, ईश्वरीयता है। अगर उसको कोई भी कुछ भी गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, यानी उसकी जो सुंदरता है इमोशंस की, अटैचमेंट्स की, ओके, सोल टाइज की, जैसा दाऊद और योनातन सोल टाइज में थे, जीव बंधन में थे, ऐसा इमोशंस अगर किसी ने खराब कर दिया, अगर वो इमोशंस में कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया जो उसके विपरीत है, ओके, तो वो इमोशंस मुरझा जाते हैं, वो इमोशंस सूखने लगते हैं, उसके अंदर की मिठास ख़त्म होने लगती है, ओके, वो मरने लगते हैं, और वो एक प्रकार का ऐसा ज़मीन बन जाता है जिसे हम कठोर मन कहते हैं, ओके? कठोर मन वो ही रास्ते हो जाता है कि हम फिर परमेश्वर का आज्ञा पालन छोड़ देते हैं, ओके? हम परमेश्वर को तुच्छ जानने लगते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं ठीक है तू बाजू में रह जा, पहले मुझे जो करना है वही करने दे, ओके? हमको परमेश्वर से निराशा आने लगती है, ठीक है? हम इमोशंस के खातिर ऐसे चेंजेस हमारे अंदर आने लगते हैं। इसके लिए इमोशंस के खातिर हमारा जो तड़पना है वो परमेश्वर के सामने, दया के आसन के सामने उंडेलना सीख जाइए, ओके? जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे और स्वर्ग आपके लिए ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने तो कुछ मेहनत नहीं की, बस मैंने अपना रोना परमेश्वर के सामने रो दिया, ख़त्म हो गया बात, बाकी चेंजेस तो अपने आप शुरू हो जाते हैं, ओके? और आप भी फिर वैसा जैसा जॉयस मेयर कहते हैं कि आप जलने से बर्न बट डोंट टर्न बिटर, यानी जलिए लेकिन कड़वाहट कड़वे मत होइए, ओके? हमारे अंदर हम इमोशंस के टूटने से हमारे अंदर पेनफुल हो जाता है, सब कुछ दर्दनाक हो जाता है, ओके? अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, परेशानी लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता, ओके? लेकिन
फिर भी जब परमेश्वर के सामने हम अपने इमोशंस को ये सब देना शुरू करते हैं, सब कुछ उंडेल देना शुरू करते हैं, तो हमारे इमोशंस जैसे है वही आकार में रहते हैं, जैसे होना चाहिए वही सेहतमंद रहते हैं। ओके, अगर हमारे इमोशंस को हमने इस तरह से सेहतमंद रास्ता दया का आसन है, ओके, हमारे इमोशंस का एकदम ज़बरदस्त तसल्ली और हमारे इमोशंस की देखभाल करने वाला एकमात्र ऐसा दुनिया के अंदर हमारे पास है वो है परमेश्वर। ओके, हमारी खातिर है वो, हमारी खातिर, हमारे इमोशंस की उसको चिंता है, वो कभी हमारे इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचाता है, वो कभी हमको लज्जित नहीं करता है, सब कुछ का 100% हमको फेवर करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। बस वो पूरा समेट लो अपने अंदर, वो पूरा भर लो अपने अंदर और बस उसके सामने आपका इमोशंस जो जगत में होता है आपके साथ उंडेल दो उसके सामने और देखिए फिर आपका इमोशंस सेहतमंद रहेगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपके जवाब ऐसे आएगी जैसे आशीषों की बरसातें होती हैं। ओके, आप देखना ये बात फॉलो कीजिए, मैंने जो कहा वो, आपका हर चीज़ हर मसला इमोशंस, आपके इमोशंस में है, वो इमोशंस आप दया के आसन के पास जाके उंडेलना शुरू कीजिए, परमेश्वर के सामने बोलना शुरू कीजिए। ओके, आपके बोझ उंडेलो परमेश्वर के सामने, उंडेल दो, उंडेल दो, इतना खाली कर दो कि आपके पास इमोशंस में अभी सेहत भरा हुआ माहौल के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ओके, मैं यहाँ तक आपको बोलती हूँ, अगर कोई मरा हुआ इंसान आपके सामने और लोग शोक करते हुए बैठे होंगे तो भी आपको वहाँ पे शोक करना पसंद नहीं आएगा, आप इतने हल्के रहेंगे इमोशंस में कि आप वहाँ पर भी हंसी मजाक आनंद और परमेश्वर के गुण गान गाते हुए चलेंगे क्योंकि आपका इमोशंस हेल्दी है, सेहतमंद है। ठीक है, आपको ये बात फॉलो करना है। अब तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ, तीसरी बात, मैंने फर्स्ट तो आपको दया का आसन बता दिया क्या है, सेकंड दया के आसन का काम क्या है, आपके इमोशंस को ठीक तरह से रखना क्योंकि वही है जो हमको परमेश्वर और जगत के बीच में परमेश्वर के संगति के लिए जो चाहिए जैसे चाहिए वैसे हम पृथ्वी में उसकी इच्छा को स्थापित कर पाते हैं। ओके, इमोशंस को कड़वे नहीं होने देना है। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखो, जब आपको कोई फेवर करने वाला चाहिए परमेश्वर देगा, जब नहीं है तो परवाह नहीं है। ओके, आपका इमोशंस इस पृथ्वी के ऊपर फेवर को ढूंढते नहीं चलना चाहिए, आपको पसंद करे, आपको कोई एकदम दिलो जान से चाहे, ये फॉल्स अफेक्शन से, एक्सपेक्टेशन से। ओके, जहाँ पे आप गलत तरह का आप अपेक्षाएँ रखते हैं, ओके, आपके लिए कुछ इच्छाएँ रखते हैं जो सही नहीं है, फॉल्स है वो, ओके, फॉल्स है। जैसा कोई भी चीज़ जब आप गलत रास्ता, गलत तरीके से, गलत रीति से आपको मिल जाए वो फिर भी आपको चाहिए ऐसा रखेंगे, वो आपके, आप झूठी तसल्ली में जी रहे हैं। ओके, वो झूठी तसल्ली है, उसमें मसीहत नहीं है, उसमें वो झूठी तसल्लियाँ हैं। ठीक है, आपको वो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपके मन को चाहिए वैसा हो जाएगा, लेकिन उसकी उपज भी आपको झेलनी पड़ेगी। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी अपेक्षाएं ना करें। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा पड़ोस में बैठा हुआ इंसान मेरे कारण सुरक्षित है, लेकिन मेरा पड़ोस में बैठा हुआ इंसान के कारण मेरी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसके मन की वो जानता है, मेरे मन की मुझे पता है कि मैं उसके लिए प्रोटेक्शन है। ओके, लेकिन उसके मन की क्या बात है मुझे पता नहीं है। ठीक है, इसके लिए इस पृथ्वी के ऊपर जब आप जीवन जी रहे आपको ध्यान रखना है कि आप मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है,
ओके, आपको क्या खाने के लिए देंगे, क्या पीने के लिए देंगे, क्या छुएंगे, कैसे छुएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से आपको बंधुआई में रखने के लिए कौन सी चाल चलाकियाँ करेंगे, क्या उठा के लेके जाएंगे घर में से, क्या रखेंगे, कहाँ छुपाएंगे, कैसे छुपाएंगे, ये सारे उनके रिचुअल्स हैं आपको बंधुआई में रखने का। ओके, उनके ये तौर तरीके हैं, उनका ये करना उनको आवश्यक है, नहीं तो ईवल स्पिरिट्स नहीं आ पाएंगे, दुष्टता करने के लिए जो उनकी ताकतें हैं उनको सहायता नहीं कर पाएगी वो। ओके, तो वो उनको करना ही करना है, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि ये बातों से आपको अचंभित नहीं लगना चाहिए। ओके, आपको हमेशा अपने आप की सफाई करते रहना है, क्योंकि आप वो उस जगत में जीते हैं जिसके अंदर ये सारा चलता रहता है। ओके, आपको ये नहीं देखना है कि मेरा कब हो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो हाँ फिर मैं ऐसे प्रार्थना करूँगी, नहीं, अपने आप को हर समय आप अपने आप को तैयार रखो, शुद्ध करते रखो, पवित्र रखो, अपने आप को सीधाई के रास्ते पर चलाते रहो, रास्ते साफ रखो अपने आप के, हर समय हर पल हर टाइम आपको कभी इंतज़ार नहीं करना है कि मुझे कोई बताए, मुझे कोई समझाए, छोड़ दो, मैंने भी वो कोशिशें की कि कोई मुझे सिखाए, कोई मुझे बताए, लेकिन परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओके, कोई नहीं है जो सब कुछ जानने वाला, एकमात्र परमेश्वर है। बड़े बड़े भले भले बुद्धिमानी लोग देखे मैंने, ओके, वो बोलते हैं हाँ ये आत्मा है, वो आत्मा, वो आत्मा, हाँ मैंने सब देखा, सब देखा, वो बोलने के लिए सब कुछ है उनके पास, लेकिन जो परमेश्वर के पास है वो उनके पास नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम उनको पकड़ पकड़ के ज्ञानी नहीं बनना है, हमको परमेश्वर से ज्ञानी बनना है। ओके, परमेश्वर का मोह बन के अगर कोई बात करता है, निश्चित है आपको उसके अधीन हो जाना है, ठीक है। परमेश्वर के हाथ बन के कोई अगर आपकी देखभाल कर रहा है, निश्चित आपकी उस आपको उसकी आज्ञा पालन करना है। ओके, जो परमेश्वर के देह हो के आपके संगति में है, निश्चित आपने उनके अधीन रह कर लाभ उठाना है। लेकिन जो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हाँ हमको ये निकालना आता है, वो निकालना आता है, ऐसा करने आता है, वैसा करने आता है, सब कुछ आता है भाई, लेकिन जो परमेश्वर को आता है वो आपको नहीं आता है। ओके, तो आपको सिखाने के लिए इस दुनिया के अंदर बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता है। जब उसको चाहिए वो आपके लिए वो बातों को सिखाने वाला रिलीज़ कर देगा, वो बातों में आपको संगति करने के लिए परमेश्वर के कोई ना कोई रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी तरफ से जो जो हिस्से आप तक पहुंच चुके हैं, जहां तक आपको पहुंचना आ चुका है, उससे आप नीचे या पीछे मत हटिए। ओके, आप उसमें तो कम से कम बने रहिए, फिर आगे का रास्ता और ज़्यादा खुलेगा, फिर आगे का रास्ता और ऊंचाई पर चढ़ेंगे आप, लेकिन वहाँ से पीछे हटने की और फिर वहाँ से छोड़ देने की या और ज़्यादा नीचे गिर जाने की अवस्था मत कीजिए। जहाँ तक आपको मैंने जहाँ जिस एरिया तक आपको सफाई से सिखाया है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का आत्मा कैसा है, किस तरह से हम परमेश्वर के संगति में कैसे हम जीते हुए कैसे हम आगे जा रहे, ये सब माहौल आप जितना अनुभव कर चुके हैं और जैसा आप परमेश्वर का अनुभव ले चुके हैं, उससे पीछे मत हटिए, उससे पीछे नहीं, उससे आगे जाइए। और अगर आप जा सकते हैं और परमेश्वर से मांगिए, लॉर्ड और भेद खोल तेरे, क्योंकि अज्ञानता नहीं रखना है हमारे अंदर, परमेश्वर के रहस्य भेद हमारे लिए है, वो ढूंढ निकालने में परमेश्वर को आनंद आता है कि मेरे संतान में मुझे ढूंढ निकालते हैं। ओके, मैंने रखी हुई बातें वो ढूंढ के निकालते हैं, उसको पसंद है हमारा, उसकी भेद उसके रहस्य को उससे जानना वो पसंद करता है। ओके, तो उसके भेद उसके रहस्य जानने के लिए हमको उसके सामने पेश आना पड़ता है, हमको उसके सामने रुकना पड़ता है, हमको उसके साथ वो लगाव रखना पड़ता है, उसको चाहिए वैसा जीवन जीना पड़ता है। ओके, हम ऐसा जब करेंगे तो बाकी सब कुछ, वो कहते हैं ना दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, है ना, तो हमको उस तरह से परमेश्वर के सामने रहना है कि हम जो परमेश्वर की ओर से हमारे पास आएगा उतना तो दुनिया हमारे सामने झुकना ही झुकना है।
ठीक है, दुनिया क्यों झुकना चाहिए, क्या कारण है? दुनिया दुष्टता में है और दुष्टता हम पर हावी नहीं होनी चाहिए, उसी को कहते हम दुनिया झुकनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भलाई कर रहा है और अच्छे काम कर रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है और हम उसको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं 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 ओके, हम वो देख रहे हैं कि दुष्टता हम पर हावी नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर के काम ज़्यादा बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के भले काम, भलाइयाँ और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए लोगों तक पहुँचना चाहिए, है ना। हम वो देखते हैं और कुछ नहीं। इसके लिए हमको झुकाना पड़ता है, दुष्टता झुकाना पड़ता है, दुष्टता झुकाना पड़ता है हमको, है ना। तो इस तरह से हमको दुष्टता झुकाना है तो हमको अपने अंदर से परमेश्वर के साथ सफाई का रिश्ता बनाए रखना है, और साथ में हमको ये ध्यान रखना है हमारे इर्द गिर्द में हमारे फेवर का, हम पर जान छिड़कने वाला ऐसा कोई नहीं है यीशु के अलावा। कोई भी रहे, चाहे वो हमारे हस्बैंड रहे, चाहे वो हमारी वाइफ रहे, चाहे वो हमारे बच्चे रहे, मम्मी पापा रहे, कोई भी दुनिया का दोस्त रहे, कुछ भी रहे, हम पर जान छिड़कने वाला एकमात्र है, वो है परमेश्वर। उसके अलावा हमारे ऊपर कोई ऐसा जान नहीं छिड़केगा जो अपनी जान देकर वो हमको बचा सके, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। ओके, बात ख़त्म कर देना है। जब भी आपको प्यास आएगी ऐसे, काश मुझे कोई इतना अच्छा कुछ अच्छा कोई इंसान मिल जाता, मेरे संगति में मेरे दोस्त बन जाता, या मेरी सहेली बन जाती, या मेरा ऐसा कुछ ऐसा एक अच्छा मम्मी पापा हो जाता, कोई तो मेरे साइड से हो जाता, ऐसा अगर आपका मन में कभी भी प्यास उमड़ने लगे तो आप समझ जाना है ये जगह इस इमोशंस की इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है हमारा परमेश्वर। ओके, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और कोई भी किया कराया कुछ भी रहे, उससे आपको अचंभित नहीं होना है। ओके, बस निकाल के फेंकते जाना है, जैसा पौलुस के हाथ के ऊपर सर्प चढ़ा था, उसने झटका लगाया, वो आग में फेंक दिया, वो जल गया, ख़त्म हो गया, चला गया, वो आगे निकल गया, कुछ नहीं देखना नहीं है पीछे मुड़कर। ओके, जो कुछ भी रहे जस्ट आप निकल जाओ आगे, आप सोचते मत बैठो, आज का दिन निकल गए कल का दिन भी निकल जाएंगे आप। ओके, परमेश्वर आपके साथ है, ये बात ध्यान रखो। कभी अचंभित मत हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कैसे इससे कैसे निपटना है, ऐसे कैसे करूँ मैं, इसके बाहर कैसे जाऊँ, इसके अंदर कैसे रहूँ, इससे क्या करूँ, मत निपटिए कुछ भी। बस जो शैतान की ओर से जगत का अंदर जो कुछ भी होता है उसको झटके लगा दो, गिरा दो, निकल जाओ आगे। ओके, और आगे परमेश्वर में बढ़ते रहो, परमेश्वर के ध्यान में रहो, परमेश्वर चाहता है उस मकसद में बने रहो, परमेश्वर ही सब कुछ है, वही एकमात्र है जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, वो आपसे कुछ नहीं छिपाएगा, कुछ नहीं छिपाएगा आपसे, दुनिया आपको मूर्ख बना देगी, ध्यान रखना। ओके, अगर कोई आपको फेवर भी करता है उससे भी गलती हो सकती है, ठीक है, अगर कोई आपके ऊपर जान छिड़कता है वो भी गलती कर सकता है, ठीक है, कोई भी तरफ से आपको कहीं पर भी सीधाई का रास्ते से आपको नहीं रहेगा हमेशा, आपके लिए वो कहीं ना कहीं एक बार तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको उनके कारण, ठीक है। तो आपके लिए हमेशा ध्यान रखना है, पृथ्वी के ऊपर आप मन मत लगाओ और ना ही आप आशा करो कोई आपके ऊपर मन लगाए। आपके ऊपर किसी ने मन लगाया, आपको भलाई किया, अच्छा है, कोई बात नहीं, वो समय के समय दे दिया परमेश्वर ने, मेरे लिए उतना समय काफ़ी है, निकल जाओ आगे, अटके मत रहो कि बस वहीं पे वहीं पे वहीं पे, और कोई नहीं है, और कोई नहीं, और कोई नहीं, ऐसे करते नहीं रहना है, निकल जाना है आगे, क्योंकि हमारे साथ एकमात्र कायम रहने वाला एकमात्र परमेश्वर है, जो हमसे पूरे मन से प्रेम रखता है, पूरे मन से हमें फेवर करता है, सब कुछ वो हमको देने के लिए तैयार है, हमको अज्ञानता से हटाने को ज्ञानी बनाने को वो तैयार है। ओके, उसके ऊपर अपना भरोसा रखो और दया के आसन का लाभ उठाओ और अपने इमोशंस को कड़वा मत होने दो। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।